अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोफ्ता कड़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। उसके लिए मैंने ये लिया है क़ीमा, ये मैंने लिए हैं चने का पाउडर, ये लिए है मैंने चॉप किया हुआ मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। क़ीमा मैंने बारीक पीस लिया है चॉपर में, इसे बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। बारीक बारीक क़ीमा होता है तो वो कोफ्ते हमारे टूटते नहीं हैं। ये हमने हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया, ये बारीक काट के हमने चॉप करके रखा हुआ था। ये भी दो प्याज ली हैं मैंने, पांच छह हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया की एक गड्डी। लहसुन अदरक मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून भर के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा लिया है हमने 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हसब ज़ायका आप इसमें डालें, वैसे मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं चने का पाउडर, ये बग़ैर छिलकों के चने हमने पीस के रखे हुए हैं, इसका ये हमने इसमें चने का पाउडर डाल दिया है। 3 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने इसमें। अगर आपके पास खशखश है तो आप खशखश भी डाल सकते हैं। ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसकी बॉल्स बनानी है कोफ्ते जैसी। ये देखिए हमने हाथ पे ऑयल लगा के और ये कोफ्ते की बॉल्स बना के रख ली हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और हम बनाएंगे अपना मसाला। ये हमने ऑयल गरम पे रखा है। इसके बाद हमसे एक हो गई है मिस्टेक, हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था और मसाला उसमें डाल के रखा हुआ था, वो वीडियो हमसे डिलीट हो गई। तो चलिए हम आगे से स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाला है, 2 टमाटर और 2 प्याज का पेस्ट रखा था हमने। उसमें डाला है पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इस मसाले को हमने भून लिया है। अब इसमें हम खूब पानी डालेंगे यहाँ तक कि ये मसाला हमारा फिर कोफ्ते इसमें जाके गल जाए। बस इतना हमें इसको पकाना है, ठीक है। फिर हम उसमें पानी में जब उबाल आ जाता है फिर हम डालेंगे इसमें जो हमने फ्रीज़र में कोफ्ते रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे पानी में उबाल आ गया है। ये अब हम इसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे जो हमने रखे थे फ्रीज़र में। अब इसे हम हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। नहीं, तोड़ना बिल्कुल नहीं है, तोड़ेंगे हम तो कोफ्ते टूटेंगे। हल्के हल्के हमने इसे मिक्स करना है, बस उबाल आ जाए तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे गलने तक के लिए छोड़ देना है। कम से कम ये 1 घंटे में हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इसका मसाला इतना पतला होना चाहिए शोरबा, और बाकी आपके टेस्ट पे मुनसर है कि आपको कितना रखना है। ये हमारे 1 घंटे बाद कोफ्ते गल चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसको गार्निश के लिए निकाल लिया है। देखिए कितने मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। थोड़ा सा हम पिसा हुआ गरम मसाला भी चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं इसमें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए ज़रूर, और पसंद आने पे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।